السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، आज इंशाअल्लाह ताला में अल मक्तबतुश शामिला को इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा बहुत आपको सिखाऊंगा। ये आपको सर्च करना है कोई चीज तो अल बहस ये तीसरे नंबर का ऑप्शन है। ये अल मक्तबतुश शामिला न्यू वर्जन है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये अल बहस है तीसरे नंबर का, यहाँ क्लिक करेंगे आप। अब ये मजालुल बहस है, जमीउल कुतुब। अगर आपको तमाम किताबों में सर्च करना है तो आप कुछ सेलेक्ट ना कीजिए, बस आप यहाँ लिख दीजिए जितनी भी किताबें हैं सब में वो इबारत आपको मिल जाएगी। मिसाल के तौर पर आपको तलाश करना है यग़ज़ू जैशुन अल-काबता, ये हदीस आपको तलाश करना है। यग़ज़ू जैशुन अल-काबता, तो आप यहाँ लिख दीजिए, इस जगह यहाँ लिख दीजिए आप वही इबारत। ये हदीस आपको तलाश करना है, यहाँ ये बहस है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब वो तमाम किताबों में सर्च कर रहा है और ढूंढकर आपको बताएगा। ये 133 नतीजे हमारे सामने आ गए। ये किताबें तारीख इब्न माइन में ये हदीस है, मुस्नद अहमद में है, मुंतखब में है, सही बुखारी में है। फिर आप नीचे आते जाइए, ये कर्सर रखकर नीचे नताइज हैं, आप उनसे तलाश करते रहिए। फिर जिस किताब में मिसाल के तौर पर आपको सही बुखारी में तलाश करना है, ये यहाँ ऊपर देख लीजिए और आगे सफ़े पर आने के लिए ये ऊपर है सफ़हातुत तालिया। अगर पूरी किताब आपको पढ़ना है तो इसको यहाँ से खोल लीजिए, ये पूरी किताब आपके सामने खुल जाएगी, आप पढ़ सकते हैं इस किताब यग़ज़ू जैशुन अल-काबता, ये है पूरी किताब आप पढ़ लीजिए। अब इसको खत्म करना है, यहां से खत्म कर दी, ये नतीजा पूरा खत्म करना है, यहां से खत्म कर दी, फिर और मजीद आपको बताते हैं। अगर आपको तमाम किताबों में सर्च नहीं करना है तो ये तसनीफ, तसनीफ के मायने यानी मुख्तलिफ किस्म की किताबें,
तो ये अकीदे की किताबों में आपको तलाश करना है कोई इबारत, तो इसको सेलेक्ट कीजिए, ऊपर अकीदा है। अब ये नीचे इख्तियारुल अक्सामिल मुहद्ददा, ये आपने सेलेक्ट किया है अल अकीदा, अब यही किस्म सेलेक्ट हो जाएगा सर्च में, ये आपने कर दिया। ये देखिए यहाँ आ गया किस्मुल अकीदा, अकीदे की किताबों में अभी आपको तलाश करेगा। अकीदे कितने था, 520 किताबें हमारे पास है। अब कोई इबारत तलाश करना है, मिसाल के तौर पर हमको तलाश करना है अफजलु सहाबा का लफ्ज, अफजलु सहाबा तलाश करना है। अब ये इबारत तलाश करना अकीदे की किताबों में, यहाँ इबारत लिख दी, यहाँ आप ये हमारे पास 94 नतीजे जाहिर हो गए। अफजलु सहाबा सुइला अहमद, ये किस किताब की इबारत है, अलजामिउ लिउलूमिल इमाम अहमद, आपको यही किताब पढ़ना है, ऊपर आ जाइए। अफजलु सहाबा उस जगह भी आप क्लिक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये किताब है जामे जामे लो इमाम, इसी नतीजे पर आप सेलेक्ट करके दो मरतबा क्लिक कर दीजिए, ये किताब खुल जाएगी आपके सामने। सुइला अहमद मन तुफ़ज़िल, इमाम अहमद से सवाल किया गया किसको आप फजीलत देते हैं, उनका अबू बकर उमर उस्मान और अली रजी अल्लाह अन्हु फिल खुलफा। फिर आप इसको खत्म करना चाहते हैं, ऊपर ये यहां से खत्म कर दीजिए। ये अल मिलल वन निहल, ये मुतजिला है, सारत असहाबु कुल्लुहुम मुतजिला, तो इनका अकीदा है मिनहाजुस सुन्ना, ये किसकी किताब है मिनहाजुस सुन्ना, इमाम इब्ने तैमिया की किताब है मिनहाजुस सुन्ना। कुतुबुल मुअल्लिफ, ये इमाम इब्ने तैमिया है, उनकी ये किताबें हमारे पास हैं कुतुबुल मुअल्लिफ। इसको आप खत्म करना चाहते हैं, ये यहां से खत्म कर दीजिए। चलिए अब इस नतीजे को भी खत्म करते हैं, फिर और आगे तलाश करने का बताते हैं। अगर आपको किसी खास किताब में सिर्फ एक किताब में तलाश करना है, मिसाल के तौर पर ये शुरूहुल हदीस है, आपने यहाँ से सेलेक्ट किया, अब ये किताबें आई हैं ये इस खाने में, दूसरे नंबर के में वो तमाम किताबें आ जाएंगी शुरूहुल हदीस की, आप किस किताब में तलाश करना चाहते हैं शरह हदीस में, यहाँ आप लिखिए अदखिद सलासत अहरुफिन अलल अकल, तीन हर्फ लिखिए, फतह फुल फतह लिख दिया। अब फतहुल बारी ये इब्ने रजब की है, ये इब्ने हजर की है, ये सेलेक्ट कर लिया आपने। अब आप कोई इबारत फतहुल बारी में तलाश करना चाहते हैं,
यहां लिखेंगे हम, यहां लिखेंगे जो इबारत हमको तलाश करना है वो यहां लिखेंगे। मिसाल के तौर पर हमें फतहुल बारी में तलाश करना है इबारत, इस हदीस के क्या हुक्म लगाया है, जो हदीस मशहूर है मिदादुल उलमा। मिदादुल उलमा यहां से तलाश करेंगे। तीन नतीजे जाहिर हो गए। इस पर क्या हुक्म लगाया है? नहीं, ये दूसरी किताब में कैसे आ गया ये नतीजा? हमें फतहुल बारी में तलाश करना है। सिर्फ इस्मुल अकीदे को हम खारिज कर देंगे, ये अकीदे की किताब में भी आ गया था असल में। ये ऊपर सेलेक्ट था ना अकीदा, इसलिए फतहुल बारी में सिर्फ तलाश करना है, इसमें नहीं है ये नतीजा। वही तो हमें ताज्जुब हो रहा था, हाफिज कैसे हुक्म लगा दे रहे हैं उस हदीस, वो तो मौजू हदीस है। तो हाफिज के यहाँ ये चीज नहीं मिली। हमें पूरी शुरूहुल कुतुब में देखना है साल के तौर पर, हम पूरा खाना तलाश कर लेंगे। सेलेक्ट कर लिया पूरा शुरूहुल कुतुब का खाना, फिर तलाश किया, देखते हैं किसी शारे हदीस ने क्या हुक्म लगाया है। फैजुल कदीर, इसको हम देखेंगे तखरीज में। पहले ये मजालात साफ कर देते हैं, हम तखरीज में देखते हैं और अल-इलल में और कुतुबुस्सुन्ना में। ये हुक्म है قال الامام احمد من محمد بن يزيد الواسطي لا يروي عن عبد الرحمن بن زياد شيئا। हदीस ज़ईफ, ला यसह, ये हदीस सही नहीं। المقاصد الحسنه, हसन बसरी का कौल है امداد العلماء। ये जो रावी हैं वो सब मुत्तहम बिल कज़िब है, अगर मरफू रिवायतों में सब रुवात मुत्तहम बिल कज़िब हैं। यह हदीस काबिल इस्तिदलाल नहीं है मौजू।
ذكره الزركشي من كلام الحسن البصري. مداد العلماء أفضل من دم الشهداء من كلام الحسن البصري. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.